अगर कपल्स काफ़ी दिनों से कंसीव करने के लिए कोशिश कर रहे हैं बट अनफॉर्चुनेटली हो नहीं पा रहा है, तो उनके मन में एक संदेह आता है कि हम रिलेशन में तो आ रहे हैं लेकिन हमारा प्रेगनेंसी क्यों नहीं कंसीव हो रहा है। जबकि जो आपके साथ वाले हैं, जिनके साथ में आपकी शादी हुई थी, जिसकी 1-2 साल पहले हुई हो या बाद में हुई हो, और उनके 1 से 2 बच्चे हो गए हैं, तो मन में काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन चलती रहती है कि उनका तो हमारे बाद में शादी हुई थी और फिर बेबी कैसे कंसीव हो गया, हम लोग इतने दिनों से ट्राई कर रहे हैं फिर भी हमारा नहीं हो रहा है। तो हज़ारों तरह के सवाल चलते रहते हैं मन में। तो आपको बिल्कुल निराश और हताश होने की ज़रूरत नहीं है। आपको मेरे चैनल पे वीडियोस अवेलेबल मिलेंगे जो कि आपकी प्रेगनेंसी जल्दी से जल्दी कंसीव कराने में हेल्प करा सकते हैं। तो आप सारे वीडियोस को पेशेंसली देखिए, बातों को समझने की कोशिश करिए कि मैं क्या बताना चाहती हूँ, और अगर बात नहीं समझ में आ रही है तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप दोबारा या तिबारा वीडियोज़ देखिए, बात को समझ के टिप्स को फॉलो करिए, डेफिनेटली आपका भी कंसीव होगा। इसी उम्मीद के साथ, इसी विश्वास के साथ ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस फाइव वर्ल्ड पे स्वागत है। तो कई बार जब कपल्स के मन में ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि फ्रस्ट्रेशन होने से कोई फ़ायदा नहीं होता है, बल्कि उल्टा आपके हार्मोन डिस्टर्ब होते हैं, और हार्मोन अगर डिस्टर्ब होंगे तो कंसीव करने में प्रॉब्लम आती है। आपको सबसे पहले समझने की ज़रूरत है कि आपको कंसीव क्यों नहीं हो रहा है। आप रिलेशन में आते भी हैं तो क्या आपने सही टाइमिंग को मेंटेन किया है? यानी कि सही टाइमिंग कहने का क्या मतलब होता है? क्योंकि देखिए, एक महिला के शरीर में एक मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है, सबकी अलग अलग हो सकती है। किसी का 28 दिन, 30 दिन, 32 दिन, 35 दिन, किसी की इरेगुलर है तो 40-45 दिन की भी साइकिल हो सकती है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो भी मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है, उसके एक ऐसा दिन होता है जिस समय उनके शरीर से, उनके ओवरी से एक अंडा रिलीज होता है, और ये अंडा बनने की जो प्रक्रिया होती है वो धीरे धीरे होती है। जिस दिन आपका पीरियड आता है उस दिन तो आपका ब्लड रिलीज होता है, लेकिन नेक्स्ट साइकिल के लिए वो अंडा वहीं से प्रिपेयर होना शुरू होता है। धीरे धीरे छोटे छोटे से फॉलिकल होते हैं, वो मैच्योर होते हैं, थोड़ा और बड़ा साइज होता है, थोड़ा और बड़ा साइज होता है, और जब थोड़ा परफेक्ट साइज हो जाता है, जिस समय वो फर्टिलाइजेशन के लिए रेडी होते हैं, तो ऐसे केस में जो ओवरीज को एक संकेत मिलता है कि अब आपके अंडे को रिलीज़ कर देना चाहिए। तो जब अंडा रिलीज़ होता है तो आपके शरीर में कई सारे ऐसे बदलाव होते हैं, जिसे मैंने ओवुलेशन डे के बदलाव से बताया है। आपको एक वीडियो की लिंक आ रही होगी एंड स्क्रीन पे, उसके बहुत सारे सिम्टम मैंने बताए हैं कि आपको कैसे पता चलेगा कि शरीर से अंडा रिलीज़ हुआ है। वही वो समय होता है जिस टाइम पर अगर आप रिलेशन प्लान करते हैं तो आपकी प्रेगनेंसी रुकने के 110% चांसेस होते हैं। अब लोगों का ये कहना होता है कि पीरियड के कितने दिनों के बाद आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये सारी महिलाओं के अलग अलग होता है, लेकिन ऑन एन एवरेज की अगर बात की जाए तो जिस दिन आपका पीरियड आता है उसको आप फर्स्ट डे कंसीडर करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको पीरियड बीत जाएगा उसके बाद से आपको फर्स्ट डे कंसीडर करना है, जी नहीं। जिस दिन आपका पीरियड आया है उसको आप फर्स्ट डे कंसीडर करिए, और जैसे ही आपका 5 से 6 दिन बीत जाता है, जब आपकी ब्लीडिंग ओवर हो जाती है, उसके नेक्स्ट 7 दिन के बाद से आपको ज़रूर ट्राई करने चाहिए। मान लीजिए कि आपका शॉर्ट साइकिल है तो आपको चांस नहीं लेना है, आपको 7वें दिन से लेके 15वें दिन तक ज़रूर ट्राई करना चाहिए। मान लीजिए कि जिनकी शॉर्ट साइकिल है 22 से 25 दिन, 23 दिन की साइकिल है, तो वो 7वें दिन से लेके 15वें दिन तक उनको प्लानिंग करनी चाहिए ऑल्टरनेट डे पे। वहीं पर अगर 28 दिन की आपकी साइकिल चल रही है तो आपको 10वें दिन से लेके 20वें दिन तक ऑल्टरनेट डे पे रिलेशन में रहना चाहिए, ताकि जब भी आपके शरीर से अंडा रिलीज हो, जो मेल के सेल्स हैं अगर वो प्रेजेंट होंगे तो वो आपके बेबी को कंसीव करा सकते हैं। वहीं पर जिनकी साइकिल अगर लॉन्ग होती है तो उनको क्या करना चाहिए कि उनको 15वें दिन से लेके 25वें दिन तक उनको रिलेशन में आना चाहिए ऑल्टरनेट डे पे, इससे आपके कंसीव होने के चांसेस बनते हैं। लेकिन वहीं पर कई बार कन्फ्यूज़न तब आता है कि आपके पीरियड्स की इरेगुलरिटी बहुत ज़्यादा है, किसी समय 35 दिन पे आ गया पीरियड, किसी समय 28 दिन पे आ गया, किसी दिन पे 40 दिन पे आ गया। तो ऐसे केस में महिलाओं को घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, सबसे पहले उनको अपने पीरियड को रेगुलर करने की आवश्यकता है। तो एंड स्क्रीन पे एक वीडियो की लिंक आ रही होगी, पहली वीडियो मैं यहाँ पर दूंगी ओवुलेशन के ऊपर, उसको भी आप देख लीजिएगा कि शरीर से अंडा कब रिलीज हुआ है। वहीं पर दूसरे वीडियो की जो लिंक है, वहाँ पर आप अपने पीरियड को कैसे रेगुलराइज कर सकते हैं, जैसे कि महीने दर महीने, मतलब सही टाइम पे, तय टाइम पे आपका पीरियड आ जाए, पीरियड आपका कैसे रेगुलर हो सकता है, उसके लिए ये सेकेंड वीडियो की लिंक है।
तो जाके ज़रूर देख लीजिएगा। सबसे पहले अपने पीरियड साइकिल को ठीक करिए, उसके बाद सही टाइम पे ओवुलेशन के टाइम पे रिलेशन प्लान करिए, उससे आपकी प्रेगनेंसी जल्दी से जल्दी कंसीव होगी। इसी दुआ के साथ मैं अपने ईश्वर से यही दुआ करती हूँ कि जिनकी भी कंसीव नहीं हो रही है, भगवान उनकी को जल्द से जल्दी भर दे। बस इसी दुआ के साथ ये वीडियो एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माई वर्ल्ड।